बाद सेमीफाइनल मैच और सेमीफाइनल के बाद फाइनल मैच खेला जाएगा आज धर्मपुर ग्राउंड पे। सर्विस बहु आयमा की तरफ से गजब का अटैक एसीपुर के खिलाड़ियों के द्वारा कहा जाएगा। भैया स्कोर बोर्ड के सामने सर्विस एसीपुर की तरफ से एक और एक। बहुत आज जितने भी मैच खेले गए हैं वास्तविकता में सारे मैच बहुत शानदार और निष्पक्ष तरीके से खेला गया है। किसी भी प्रकार की किसी भी खिलाड़ियों को कोई भी कहीं दिक्कत नहीं है। ऐसे शानदार टूर्नामेंट का आयोजन आज धर्मपुर ग्राउंड में किया गया है। वास्तविकता में बहुत जितनी भी तारीफ की जाए इस टूर्नामेंट का सैफू और कैफू वॉलीबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता का और इसमें सहयोग देने वाले अपने सभी वॉलीबॉल प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग हमेशा ऐसा सहयोग देते रहेंगे इस कमेटी परिवार को। इस वॉलीबॉल में सहयोग राशि देने वाले हमारे वॉलीबॉल प्रेमियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। अकील भाई हैं, उन्होंने 1000 रुपए का सहयोग राशि दिया। उन्हीं के साथ हैं सभी राज भाई जी, उन्होंने 1100 रुपए का सहयोग राशि दिया। ललन प्रधान जी हैं, उन्होंने भी 2500 रुपए का योगदान दिया है। एजाज भाई हैं, उन्होंने 300 रुपए का सहयोग राशि दिया है। अंसार भाई हैं, उन्होंने 500 रुपए का सहयोग राशि दिया है। और उन्हीं के साथ वॉलीबॉल प्रेमी जावेद भाई ने भी 500 रुपए का सहयोग दिया है। आप सभी सहयोगियों का सैफो और कैफो वॉलीबॉल प्रतियोगिता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नदीम मैनेजर मऊ एमा की टीम बिल्कुल तड़स्त दिखाई देते हुए और वैसे इसी पूर्वी की खिलाड़ी बिल्कुल तड़स्त दिखाई देते हुए कोई किसी से कम नहीं। गजब का ड्रॉप, बॉल गिरने का नाम ही नहीं लेते हैं। सर्विस नदीम मऊ आयमा की तरफ से कश्यप का अटैक कहा जाएगा इसी पुल के खिलाड़ियों के द्वारा। 6 और 4 और ये भी मैच 21 पॉइंट का खेला जा रहा है। इक्कीस का एक सेट भैया गजब का अटैक फिर से 5-2 अंकों की लीड लिए हुए धर्मपुर ग्राउंड पे बनी हुई गजब की सर्विस जोरदार ताली हो जाए एक बार इसीपुर खिलाड़ियों के लिए भैया। वास्तविकता में सर्विस और अटैक दोनों का ही तारीफ किया जाए। जोरदार ताली गजब की सर्विस। बिल प्लेट बिल प्लेट 10 और 5 5 अंकों की लीड इसी पुल के खिलाड़ियों का। एक बार दर्शकों से अनुरोध है कि इन खिलाड़ियों के लिए जोरदार ताली हो जाए। गजब का ब्लॉक कहा जाएगा। गलत
12-9, क्या बात है। शुरू से लीड बनाई हुई है इसी के खिलाड़ियों ने भी, जोरदार ताली हो जाए इन खिलाड़ियों के लिए। कोई बात नहीं, दस और बारह क्या रुक। भैया विकास जी के साथ जितने लोग हैं, एक लोग अंदर जाइए, बाकी आप बाहर आ जाइए प्लीज। भैया सैफ भैया हिंदी थोड़ा सा बाहर करोगे भैया। तेरह और दस टाइम आउट लिए मोबाइल के खिलाड़ियों ने, तीन अंकों का लीड लिए हुए इसीपुर के खिलाड़ी। 21 पॉइंट का एक सेट ये मैच खेला जा रहा है। कोच साहब अंदर है भैया, बाकी बाहर आ जाए भैया, ताकि मैच का रुख जो है वो तरोताजा हम दर्शकों को करते रहे। भैया डिफेंस कहा जाएगा, वास्तविकता में ऐसा डिफेंस इसीपुर के खिलाड़ियों के द्वारा किया है कि वास्तविकता में जितना भी तारीफ करें बहुत ही कम है। भैया शानदार मैच आज खेला जा रहा है। 11-13 अब भी 2 पॉइंट का लीड है इसीपुर के खिलाड़ियों का। सर्विस मोहम्मद की तरफ से कंसेप्ट का अटैक कह जाए कि जैसा का तैसा अगर ग्राउंड पे मिले तो क्या मैच का आनंद होता है। ऐसा लग रहा है कि ये फाइनल मैच ही खेला जा रहा है। दिशिल का ध्यान दें भैया, 12 सर्विस इसी गुण की तरह छोटा भी हो जाए खिलाड़ियों के लिए, क्या बात है। इस मैच में जोश आ गया है, गर्दा टूटा हुआ ग्राउंड में ताल देने की नाम नहीं लेती। वॉलीबॉल धर्मपुर ग्राउंड पे जोरदार ताली हो जाए दर्शकों से एक बार अनुभव। क्या शानदार मैच, ये लास्ट क्वार्टर फाइनल मैच है लेकिन इसे फाइनल मैच ही समझा जाए। कंसेप्ट का अटैक रिवर्सिप करते हुए हमारे बुजुर्ग चाचा जी डबलिंग का इशारा करते हुए 15-13 दो पॉइंट अब भी लीड है इसीपुर के खिलाड़ियों का। कहीं से गेंद गिरने का कोई चांस ही नहीं।
मणिपुर के खिलाड़ियों का सर्विस इसी मुल्क की तरफ से सर्विस मोबाइमा की तरफ से कश्यप का अटैक किया जा रहा है इसी मुल्क के खिलाड़ियों के द्वारा। सत्रह और चौदह डिफेंस करो, डिफेंस करो, ताली हो जाए। नदीम मैनेजर मोबाइमा की टीम के नाम पे फिर से डिफेंस कहा जाएगा इसी मुल्क के खिलाड़ियों के द्वारा। गेंद गिरने का कोई डिफेंस अभी दिखा ही नहीं इस मैच। बहुत अच्छा रिसीव करते हैं हमारे बुजुर्ग चाचा जी। मैच के लिए भैया, मैच के लिए भैया, डिसीजन तो डिसीजन, स्कोर बोर्ड के सामने से हट जाए भैया। कहा जाएगा धर्मपुर ग्राउंड पे जो खेला जा रहा है सर्विस भैया, और जो खिलाड़ी है वो बाहर आ जाए ग्राउंड से भैया। सर्विस हुई बहुत शानदार आज मैच धर्मपुर
ग्राउंड पे खेला जा रहा है। इसके बाद सैफा भाई से हम चाहेंगे कि ग्राउंड पे सेमीफाइनल मैच जो खेला जाएगा।